हेलो दोस्तों, सरस्वती किचन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बनाने वाली हूँ लाल भाजी की चटपटी सी सब्जी, जो झटपट बनकर तैयार हो जाता है। यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। मैंने लाल भाजी को अच्छे से धोकर साफ कर लिया है और इसे इस तरह से रफली कट कर लिया है। आप चाहो तो इसे बारीक भी कट कर सकते हो। भाजी में डालने के लिए चने के दाल को मैंने दो सीटी जाने तक पका लिया है और यह अच्छे से पक गया है। इसे आप मैं चेक करके दिखा देती हूँ। तो इस तरह से उंगलियों में प्रेस करने से आराम से मैश हो जा रहा है। तो हमें चने के दाल को पहले इतना पका लेना है, क्योंकि भाजी के साथ में चने के दाल नहीं पकता है। चने के दाल को पकने में टाइम लगता है और भाजी 2-3 मिनट में पककर तैयार हो जाता है। तो आप चने के दाल को पहले से ही पका लें। तो मैंने चने के दाल को कुकर में पकाया है, तो मैं इसी में भाजी को भी पका लेती हूँ। तो मैंने सभी भाजी को कुकर में डाल दिया है। हमें कुकर का सीटी नहीं लगाना है, बस जैसे हम कढ़ाई में पकाते हैं उस तरह से हम इस कुकर में पका लेंगे। तो इसको ऐसे ही गैस में रख देते हैं, 1-2 मिनट में ही भाजी पक कर तैयार हो जाएगा। मैंने गैस पर एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है और उसमें 2 चम्मच तेल डाल देंगे। जैसे तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए, तो हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा के चटकते ही हम इसमें 1 चम्मच दरदरा कुटा हुआ लहसुन को डाल देंगे। आप चाहो तो इसमें 1/2 चम्मच सरसों डाल सकते हो। लहसुन को थोड़ी देर के लिए तेल में भून लेते हैं। यदि आप लोग लाल भाजी में प्याज डालते हो, आप यहाँ पर बारीक प्याज को कट करके डाल सकते हो, लेकिन मैं इसे बिना प्याज डाले ही बना रही हूँ। मैंने लहसुन को थोड़ी देर के लिए भून लिया है और साथ ही में इसमें एक खड़ी लाल मिर्ची डाल देंगे। यदि आपको पसंद है तो डालो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। इसके बाद में इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स। इसकी जगह पर आप लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हो। यदि आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसमें 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 2 टमाटर को उबाल कर पीस लिया है। इसकी जगह पर आप टमाटर को बारीक कट करके भी डाल सकते हो। तो इन सबको मिक्स करके आप थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं। तो इसे मैं ढक देती हूँ ताकि टमाटर हमारे अच्छे से पक जाए। तो थोड़ी देर बाद में टमाटर हमारे अच्छे से पक गया है। उधर भाजी भी हमारा पक गया है, तो मैंने उसे बाउल में निकाल लिया है। अब इस पके हुए भाजी को हम टमाटर में डाल देंगे और इन सब अच्छे से मिक्स कर देंगे एक बार। बस इसमें उबाल आने तक और पकाएंगे। तो आप यहाँ पर नमक मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं भाजी सब्जी के लास्ट में ही नमक को डालती हूँ, तो इसलिए मैं नमक को भी ऐड कर रही हूँ। अब इसे उबाल आने तक पकने देते हैं, फिर उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। तो लीजिए, हमारी चटपटी सी लाल भाजी बनकर तैयार है। तो आप भी एक बार इस तरीके से बनाकर जरूर देखिएगा। इस सब्जी को आप रोटी के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं। यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। दोस्तों, यदि आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू।